दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन भेजा गया है। ईडी ने कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने पूछताछ के लिए आज बुलाया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मंत्री को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। ईडी अब मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ करेगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक और समन, और ये समन मंत्री कैलाश गहलोत को, अब वो भी कहीं ना कहीं ईडी उनसे भी पूछताछ करने जा रही है, क्या और जानकारी इस मामले पर? देखिए, ईडी की तरफ से लगातार जो शराब नीति को किस प्रकार से पहले बनाया गया, उसे क्रियान्वित किया गया और बाद में निरस्त कर दिया गया विवादों में आने के बाद, तो देखिए उसी शराब नीति के मामले में ही लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और अब उसकी जद में संभवतः कैलाश गहलोत भी आ गए हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया है। और देखिए, नजफगढ़, दिल्ली का जो नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कैलाश गहलोत विधायक है और मौजूदा अगर दिल्ली सरकार में बात करें तो परिवहन के साथ साथ उनके पास कानून और दूसरे भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके साथ हैं और गृह विभाग भी वे ही देख रहे हैं। और उससे पहले जिस प्रकार से देखिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी की हिरासत में है ही, संजय सिंह है ही, और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी की हिरासत में है, तो ऐसे चौथे ये मंत्री होने जा रहे हैं जो इस सरकार के खास नेता हैं और मंत्री भी हैं दूसरे। और देखिए, अब आज उन्हें बुलाया गया है, इस बारे में आगे क्या कार्रवाई ईडी की रहती है देखने वाली बात होगी। हाँ। लेकिन शराब नीति का जो मामला है, उसकी जो जांच चल रही है ईडी की तरफ से, उसकी आंच में कई लोग जो है उसकी जद में लगातार आते जा रहे हैं। जी सृष्टि, बिल्कुल अमित, एक के बाद एक हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो इस तरह से नेता जो है वो इसकी जद में आ रहे हैं। और बात अगर अरविंद केजरीवाल की भी करें तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ अमित, वो भी हमने कवर किया और देखा हमने किस तरह से पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है। पार्टी के पास कहीं ना कहीं अमित इस बीच ऐसा लग रहा है कि बात और कुछ कहने के लिए नहीं है इसके अलावा कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। ईडी जो कुछ भी कर रही है वो फंसाने के लिए जानबूझकर कर रही है। और एक बात अब तो और ये कह दी गई है, क्योंकि ईडी की तरफ से पासवर्ड मांगे गए थे अरविंद केजरीवाल के फोन के, तो आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह दिया कि अब ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, क्योंकि वो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें रणनीति जानना चाह रही है। आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के साथ कैसे रणनीति तैयार कर रही है वो जानने के लिए अब बीजेपी अनेकों कदम उठा रही है। तो कहीं ना कहीं सीधे आरोप जो है पार्टी वो लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात जब ये होती है कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, कहां यूज हुआ, कहा है, तो इस पर कोई जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नहीं दिया जाता। जब ईडी आरोप लगाती है कि गोवा में पैसा यूज हो गया है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि अरविंद केजरीवाल जो है कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं शराब घोटाले को लेकर, बहुत बड़ी जानकारी देंगे, लेकिन जब वो कोर्ट जाते हैं तब उस तरह का कोई खुलासा नहीं होता। तो तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास क्या और कुछ अपने बचाव में कहने के लिए नहीं बचा है। जी देखिए सृष्टि, फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी केवल आरोपों की जो राजनीति है उस पर ही टिकी हुई है, उसी पर आधारित होकर वो चुनाव मैदान में भी उतरने जा रही है। और देखिए, 1 अप्रैल तक तो ईडी की हिरासत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है ही, और ऐसे में जैसे लगातार वो जिस शुचिता की राजनीति की बात करते थे, तो वैसी शुचिता और नैतिकता वो अपने मामले में दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तक देखिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया है और आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि यह पूरे राजनीतिक पूर्वाग्रह से, राजनीतिक साजिश के तहत ही, और पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला, उसे मनी लॉन्ड्रिंग का बताया गया था, उस मामले को पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग कहा गया के कविता की ओर से भी। लेकिन देखिए, जब तक जांच चल रही है और कानून जो है वो न्यायपालिका तथ्यों के आधार पर चलता है, साक्ष्यों के आधार पर चलता है, और उसी आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया और उनके तमाम नेताओं को इस जद में लिया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। और देखिए, इसी बीच जो इंडिया ब्लॉक की 31 मार्च को रैली भी रख दी गई, आज भी गोपाल राय और दूसरे वरिष्ठ नेता जो है वो इस रैली स्थल का जायजा लेने पहुंचे थे, तो देखने वाली बात होगी कि ठीक चुनावों से पहले जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं
और लगातार कार्रवाइयां चल रही है उसको लेकर जनता की कितनी सहानुभूति उन्हें मिलती है, क्योंकि कोशिश उनकी यही है कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाया जाए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के जरिए। लेकिन यह देखने वाली बात है कि जनता उससे कितनी सहमत होती है और वो क्या वो सहानुभूति वोट में तब्दील कर पाते हैं, उनकी कोशिश भी यही है। क्योंकि देखिए 31 मार्च की रैली रखने का मकसद भी और उसमें तमाम नेता चाहे सोनिया गांधी की बात करें या कांग्रेस के और दिग्गज नेता हैं और INDIE गठबंधन के और जो धड़े हैं उनके भी जो नेता हैं वे भी इसमें शामिल होंगे, तो देखने वाली बात होगी जनता कितनी इन बातों से सहमत होगी। लेकिन जांच जो है ईडी की वो लगातार जारी है और आज भी कैलाश गहलोत को बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। कैलाश गहलोत भी हमें तब जांच के दायरे में आ गए हैं और जरूर उनके लिए भी आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बल्कि ये खबरें बता रही हैं, ये तस्वीरें जो भी सामने आ रही है वो बता रही है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आगे और बढ़ रही हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आप बने रहिएगा क्योंकि आगे भी और खबरों पर आपसे जानकारी हमें लेनी है। फिलहाल इस खबर पर आपने जानकारी दी, बड़ी जानकारी, ईडी ने पूछताछ के लिए आज मंत्री कैलाश गहलोत को बुलाया है और आज पूछताछ के लिए कैलाश गहलोत जो है वो पेश होंगे ईडी के सामने।